नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पहली बार पूर्वी ने ली कुछ इस तरीके से वीरेंद्र के प्यार की परीक्षा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि वीरेंद्र के लिए कुछ इस तरह से कहती नजर आ रही है पूर्वी। पूर्वी कहती है वीरेंद्र को अंगारों पर चलने के लिए, लेकिन आखिर पूर्वी ने ऐसा क्यों कहा? वेल, आपको बता दें जो वीरेंद्र है वो लगातार पूर्वी पर शक करता रहता है। एक बार फिर से वो पूर्वी पर शक करता नजर आता है, क्योंकि जो गजराज है उसने जो है वो जो झुमके दिए थे उस झुमके को भी देख लिया है वीरेंद्र ने, और काफी ज्यादा शक करता है पूर्वी पर और फिर अपना हाथ जलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद पूर्वी रोकती है और कहती है आप ये सब क्या कर रहे हैं। जिसके बाद भी जो वीरेंद्र है वो नहीं सुनता और अपने हाथ को जलाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है और फिर कहता है ये झुमके किसने दिए हैं। जिसके बाद पूर्वी बताती है कि हाँ, ये झुमके गजराज ने ही दिए हैं। आपको बता दें कि गजराज जो है वो पूर्वी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो कर भी रहा है। जी हाँ, गजराज सत्यम जो है वो पूर्वी को पाने के लिए किसी भी लेवल पर जा रहा है और यहाँ तक कि वो पूर्वी की काफ़ी मदद भी कर रहा है। उसने जो है वो पूर्वी को झुमके बेचने नहीं दिए और जूही को बचा कर लेकर आया भी। जिसके बाद पता चला कि जो गजराज है उसी ने जूही को बचाया है। जिसके बाद वीरेंद्र को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको पूर्वी पर भी गुस्सा आता है। जिसके बाद जो पूर्वी होती है उसे आप देखेंगे कि वो हवेली पहुंची होती है। जिसके बाद सत्यम कहता है कि आप जो है मुझसे प्यार करती हो ना, यानी कि तुम भी से प्यार करती हो ना पूर्वी। जिसके बाद पूर्वी बड़े अजीब तरीके से सत्यम यानी कि गजराज को देखती है और फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वीरेंद्र है उसे अंगारे पर चलाती है। वो कहती है कि मैंने आपके लिए कितनी बार अग्नि परीक्षा दी है मुखी जी, तो इस बार आपकी बारी है, आपको मेरे लिए अंगारों पर चलना होगा। अब देखना होगा कि आखिर पूर्वी ने ऐसा क्यों किया। इस वीडियो में बस इतना ही।